que no vives. अस्सलामुअलैकुम, मैं इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में हूँ और पीछे आप देख सकते हैं हमारी बस भी खड़ी है, हमारा इंडस्ट्रियल टूर है और हम जाने के लिए सब तैयार हैं, तो चलो चलते हैं। सफर अपनी मंजिल का पता शाम रात माजिद भाई
तेरे करीब आ रहा हूँ, खुद से मैं दूर जा रहा हूँ। कुछ ख्वाब है लिखे खतों में तुमको सौंप दूँ, इस दर्द की जमीन पे मैं खुद को रोप दूँ। तेरा इंतजार है कहाँ करा है, तेरी आस ही को हमें शुमार है, बयां करूँ कैसे तेरा इंतजार है। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के हगे सुझे, होता है ऐसा अक्सर दिल ये किसी को देकर, लगता सी है सारा शहर अब देख तेरा होकर, सर है मुझ पर हंसता रहूं मैं आंखों पे। हम ये पूरी इंडस्ट्री विजिट कर चुके हैं, चलो अब सबसे रिव्यू लेते हैं तो कैसा एक्सपीरियंस था। ये सुफियान भाई बताएं। मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है काफ़ी, क्योंकि मैंने वर्कर से पूछा है तो ये इनके पास स्क्रैप होता है, यहाँ वाइल इंडस्ट्री का ये तो स्क्रैप होते हैं इनके पास में, उसे ये मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद इस तरह हम चाय को नहीं उबाला देते तो ये उसे भी उबाला देते हैं, उसके बाद फिर ये इसकी पेंटिंग वगैरह करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं उसके अंदर कोडिंग वगैरह, फिर उसे आगे क्रशर में 1 से 2 दिन के लिए करते हैं, वो मैंने वर्कर से पूछा था। उसके बाद जो हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है वो 12 से 14 घंटे के लिए करते हैं, तकरीबन ये टेम्परेचर 220 से 240 तक, क्योंकि हम इसलिए ज़्यादा होता है ना ताकि जो भी कार के, क्योंकि ये पिस्टन में यूज पिस्टन है ना यामर, तो जो भी सीन होता है कि वो टेम्परेचर वगैरह ना सारा मेंटेन कर देती है, हैंडल कर देती है जितना भी हो कार का। तो बाकी यहाँ इस साइड पर तो ये सीन है कि पैकिंग ही करते हैं यहाँ पर ना, बाकी जो स्टेप होते हैं ये प्रोडक्ट पर ये अमर भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? अलग भाई से आप पूछें। चलो भाई हमने फैक्ट्री इस तरह बनते हैं, और जो ज़्यादातर इंडस्ट्री में काम है ना वो मशीन पे है, बस जो इनिशियल वर्क है वो मतलब होता है, और जैसे कि मतलब हम लोग जो स्क्रैप वगैरह लेते हैं बाहर से या पाकिस्तान में ना, तो उसको हम प्योर करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, उसको जो बाकी है उसकी टीचिंग वगैरह के बाद जो प्रोसेस है उसके बाद सारा वो जो सारा अमल है वो मशीन पे है, और उसके बाद पैकिंग वगैरह की बाकी एक मैं बताना चाह रहा हूँ ये वाहिद इंडस्ट्रीज है ना, ये जो मिलत ट्रैक्टर है उनमें इनका वाहिद इंडस्ट्रीज के नाम से नहीं वाहिद इंडस्ट्रीज के नाम से बाकी जो अदर इंडस्ट्रीज है ना जो भी मतलब कंपनीज होगी वहाँ इनके यूपी के नाम से था, यूनिवर्सल पिस्टन के नाम से, लेकिन मिलत में इनका वाहिद इंडस्ट्रीज के नाम से यूज़ कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है यार? इसकी वजह तो इन्हें पता होगी, हमें तो इन्होंने यही बताया कि वाहिद इंडस्ट्रीज के नाम से हो रहा है मिलत में, बाकी जो इधर अदर कंपनीज वगैरह है वहाँ यूपी के नाम से, अच्छी क्वालिटी है, बाकी इंशाल्लाह जब खुद आएंगे या पता चलेगा कैसा है। उड़ान पे ही माना क्यों
Thank you.
So beautiful, so elegant, just looking like a wow.